हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उड़द दाल पकोड़ा एंड रायते का रेसिपी। इसको आप उड़द दाल पकोड़ा चाट भी कह सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। हमें सबसे पहले बनाना है पकोड़ा, और पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द दाल। यहाँ पे मैंने 1 कप उड़द दाल लिया है। दाल को मैंने पहले ही 15 मिनट्स के लिए भिगो के रख दिया था। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पुदीना पत्ता, थोड़ा सा अदरक, 4 हरी मिर्च, 1/3 स्पून सॉल्ट, 1/3 स्पून शुगर। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में पीस के एक पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसको एक बर्तन में निकाल के अच्छी तरीके से हाथ से फेंट लेंगे। अभी हमें ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है पैन में। ऑयल हमारा गर्म होने के बाद हम एक एक करके हाथ से पकौड़े को छोड़ के फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने फ्राई किया है पकौड़ा को। एक साइड फ्राई होने के बाद हमें पलट देना है और दूसरा साइड भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। पकोड़ा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। पकोड़ा हो जाने के बाद हमें तैयारी करने है रायता की। तो पकोड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम तैयारी करेंगे तड़के की। तो अभी हमने पैन में 3 स्पून ऑयल लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग पाउडर, चॉप्ड हरी मिर्च, 1 स्पून राई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता एंड थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। इसको कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फेटा हुआ दही में ऐड कर लेंगे। मैंने दही को पहले ही थोड़ा सा नमक दे के फेंट लिया था। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चाट मसाला। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो रायता हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमें करना है प्लेटिंग। तो एक प्लेट में हमने कुछ पकौड़े को ले लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा रायता डाल दिया है और थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया है, आप देख सकते हो। अभी मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च एंड थोड़ा सा चाट मसाला। तो उड़द दाल पकौड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।